दोस्तों इस वीडियो में जानेंगे चंदू चैंपियन के पांचवें दिन के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में और साथ जानेंगे इस फिल्म को अब तक के टोटल इंडिया नेट क्रॉस ओवरसीज और वर्ल्ड वाइड कलेक्शन के बारे में। तो दोस्तों इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों यह एक बायोग्राफिकल स्पोर्ट्स ड्रामा फिल्म है। इस फिल्म में कार्तिक आर्यन के अलावा भुवन अरोड़ा, राजपाल यादव और विजय राज नजर आए हैं। इस फिल्म को कबीर खान ने डायरेक्ट किया है। बात करें स्क्रीन काउंट की तो दोस्तों इस फिल्म को इंडिया में 3000 स्क्रीन के साथ रिलीज किया गया है तो ओवरसीज में 800 स्क्रीन के साथ रिलीज किया गया है, यानी इस फिल्म को दुनिया भर में 3800 स्क्रीन के साथ रिलीज किया गया है। बात करें कलेक्शन की तो इस फिल्म ने अपने पहले दिन में इंडिया में 4,75,00,000 का नेट कलेक्शन किया था तो अपने दूसरे दिन में 7 करोड़ का कलेक्शन किया था। वहीं फिल्म ने तीसरे दिन में 9,75,00,000 का और अपने चौथे दिन में यानी सोमवार के दिन में लगभग 5,10,00,000 का नेट कलेक्शन किया था, जिससे इस फिल्म का 4 दिनों का टोटल इंडिया नेट कलेक्शन 26,20,00,000 हो चुका है। तो टोटल इंडिया ग्रॉस कलेक्शन 30,42,00,000 हो चुका है। इस फिल्म ने ओवरसीज 8 करोड़ का कलेक्शन किया है। अगर वर्ल्ड वाइड कलेक्शन की बात करें तो इस फिल्म का 4 दिनों का टोटल वर्ल्ड वाइड कलेक्शन 38,42,00,000 हो चुका है। बात करें पांचवें दिन के कलेक्शन की तो ये फिल्म अपने पांचवें दिन में इंडिया से 4 से 5 करोड़ रेंज में नेट कलेक्शन करने वाली है। दोस्तों आपको बता दूं कि इस फिल्म का बजट 80 करोड़ है और फिल्म जैसे कलेक्शन करती दिख रही है उसे देखकर लग रहा है कि ये फिल्म बॉक्स ऑफिस में एवरेज तो हो ही जाएगी।